नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में हम लोग ए शार्प मेजर पेंटाटोनिक स्केल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा फॉर्मूले वाला लेसन याद है तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले नोट्स जो इस पेंटाटोनिक स्केल में यूज हो सकते हैं। वो है ए शार्प मेजर पेंटाटोनिक के लिए ए शार्प, सी, डी, एफ और जी। ठीक है दोस्तों, तो ये पांच नोट्स हम लोग यूज कर सकते हैं अपने ए शार्प मेजर पेंटाटोनिक स्केल में। तो देख लेते हैं इसे बजाना कैसे है। आ जाते हैं हम लोग ए शार्प नोट पे जो कि हमारा छठी स्ट्रिंग पे, छठी फ्रेट पे। ठीक है दोस्तों, इसे बजाना शुरू करते हैं। छठी स्ट्रिंग पे 6, 8, मेरी उंगलियों का ध्यान रखिए मैं कौन सी उंगली से कौन सा नोट बजा रहा हूं। पांचवी स्ट्रिंग पे 5, 8, चौथी स्ट्रिंग पे 5, 8, तीसरे स्ट्रिंग पे 5, 7, दूसरी स्ट्रिंग पे 6, 8 और पहली स्ट्रिंग पे 6 और 8 और फिर यहां से वापस। दोबारा से देखते हैं, छठी स्ट्रिंग पे 6, 8, पांचवी स्ट्रिंग पे 5, 8, चौथी स्ट्रिंग पे 5, 8, तीसरी स्ट्रिंग पे 5, 7, दूसरी स्ट्रिंग पे 6, 8 और पहली स्ट्रिंग पे 6, 8 फिर यहां से वापस। तो दोस्तों ये है बी मेजर पेंटाटोनिक स्केल। इसके जो अलग तरीके हैं हम लोग एक लेसन में देखेंगे, आप अगले आखिरी लेसन में देख सकते हैं इस सीरीज के। जो पांच तरीके बताऊंगा मैं उस लेसन में आपको कि कैसे बजाना होता है पेंटाटोनिक स्केल। ठीक है दोस्तों, तो ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया तो इसे रेट करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।